अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा, उनकी अनंत कृपा, उनके अनंत ज्ञान को, उनकी अनंत दृष्टि को, उनके सर्वज्ञ सर्वदर्शी को अंतःकरण से नमन, कृतज्ञता। शासनपति भगवान महावीर के शासन को, उनके धर्म को, उनकी वाणी को अंतःकरण से नमन, कृतज्ञता के भाव। चतुर्मास का प्रथम दिवस से अंतिम दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, यही अंतःकरण की एक भावना है। चतुर्मास का अर्थ है चार मास। ये चार मास एक वर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस चार मास में आप परमार्थ की जितनी भी साधना कर सकते हैं कर लीजिए। ये अवसर बार बार नहीं आता। ये मंगल में प्रवेश आपके लिए, सबके लिए मंगलकारी। चतुर्मास आपने बड़ी श्रद्धा भक्ति से लिया है, और जिस श्रद्धा भक्ति उत्साह से आपने सूरत नगरी में मुनिवृंद का प्रवेश करवाया, स्थान स्थान पर प्रभावना हुई, ध्यान शिविरों के आयोजन हुए, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपने चतुर्मास के लिए श्री संघ ने, सभी ने, एक एक व्यक्ति ने ये जुड़ करके इस कार्य को परिपूर्ण किया। अब समय आ गया है, आपने जमीन तैयार कर दी, आपने मुनिवृंद को बुला लिया, निमंत्रण दे दिया, मुनिवृंद आ गए, चतुर्मास की पूर्ण तैयारी हो चुकी। आज प्रारंभ है, किसान भूमि तैयार करता है, भूमि उपजाऊ बनाता है, वर्षा होती है, यदि वर्षा में बीज ना डाले तो वर्षा का महत्व नहीं रहता। वर्षा भी हो रही है, जमीन भी तैयार हो गई है, अब धर्म का बीज आपके हृदय की भूमि पर डल जाना चाहिए और अंकुरित हो जाना चाहिए। अंकुरित नहीं, वो पल्वित, पुष्पित, फलित होना चाहिए। ये हमारी सद्भावना है, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसेगी, प्रभु महावीर की वाणी का दोहन होगा, उसमें हम सब जीवेंगे। परंतु कुछ बातें मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि चतुर्मास में जो समय आपने बांधा है उस समय पर आप पहले आ जाएं, और जो पहले आया पहले बैठे, पीछे आया पीछे, इस बात का ध्यान रखें। और सभी एक पंक्ति में, लाइन में, एक डिसिप्लिन में, एक ऑर्डर में बैठे। जिसको जगह मिलती है वो आके बैठ, डिस्टर्बेंस होती है। आप यहाँ आते हैं सत्संग में, एक बहुत बड़ा नियम है, ये आपकी तपस्या है, कोई भाई बहन यदि कहे बाद में आता है तो पीछे जाए, आगे आने की कोई कोशिश ना करें। और कुछ वॉलंटियर युवकों की तरफ से, बहनों की तरफ से खड़े हो जाएं, वो बिठाएं, ताकि उनका भी पुण्य बंद होगा। चतुर्मास, चतुर्मास नहीं, ये संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है, साधु और श्रावक का संबंध है, आपका और हमारा संबंध है। कौन सा संबंध? हमारा और आपका संबंध एक ऐसा संबंध है जो खून का रिश्ता नहीं है, जो पद का रिश्ता नहीं है, कोई धन का रिश्ता नहीं है, कोई समाज का रिश्ता नहीं है, ये संबंध है धर्म का। वो धर्म, वीतराग धर्म, जो मुझे और आपको संसार के जन्म मरण के दुखों से छुटकारा करके मोक्ष की ओर ले जा सकता है, ये ऐसा संबंध है।
इस चतुर्मास में हम केवल धर्म की आराधना करें, धर्म सुने, धर्म की चर्चा, धर्म की कथा, धर्म के प्रवचन, धर्म की सभा हो और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जो बीत गया वो बीत गया, हम एक दूसरे का प्रोत्साहन करेंगे, एक दूसरे को ऊंचा उठाएंगे, सत्वेषु मैत्रीं गुणीषु प्रमोदम की भावना रखेंगे, संसार के समस्त प्राणियों के लिए मैत्री भावना और गुणजन के लिए प्रमोद की भावना। कोई आए सबका स्वागत है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो यहाँ सफाई कर रहा है, चाहे वो भोजन बना रहा है, भोजन परोस रहा है या कोई बड़ा काम कर रहा है, यहाँ में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। पता नहीं कौन पहले कर्म रजरा करके भगवान के सम्मुखरण में चला जाए और मोक्ष का अधिकारी बन जाए, ये बात का ध्यान रखेंगे। अब धर्म क्या है, एक प्रश्न है, धर्म क्या है बड़ा गहरा प्रश्न है, वो प्रश्नों का उत्तर भगवान महावीर ने दे दिया। परंतु वो धर्म यदि मेरे और आपके जीवन का अंग संग नहीं बना तो वो केवल पोथी पन्ने में रह जाएगा, प्रवचनों में रह जाएगा, प्रश्न उत्तर में रह जाएगा। वो धर्म मेरे और आपके जीवन का अंग बने। धर्म क्या है, पहली गाथा भगवान महावीर की, दशवें कालिक सूत्र की पहली गाथा, धम्मो मंगल मुक्तिधाम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नामं शांति यस धम्मे से अमरो। केवल एक गाथा आपके और मेरे जीवन में आ जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक गाथा प्रभु ने फरमाया, इसमें चार बातें हैं। धर्म क्या है, धर्म कैसा है, धर्म कौन कर सकता है और करने के बाद उसकी उपलब्धि क्या है। प्रभु ने फरकाया, धम्मो मंगल मुक्तिधाम, धर्म मंगल है और उत्कृष्ट है, धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती का राज्य, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष की छाया, चिंतामणि रतन, उस धर्म के आगे फीका है। धर्म मंगल देता है। क्या है मंगल, इसकी चर्चा भी हम आपके सामने जरूर करेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे, और कोई समझ में ना आए तो आपका अधिकार है, प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दिन हम प्रश्न का भी रखेंगे। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड यू कैन आस्क एंड देम क्वेश्चन इन रिलेशन टू योर लाइफ, टू योर फैमिली, टू योर सोसाइटी, टू योर हार्ट, टू योर सोल, एनी क्वेश्चन। कोई प्रश्न आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समस्या में कोई भी आए तो हम प्रयास करेंगे, हम जो भी हमारी बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है, उसका समाधान करने में। तो धर्म मंगल है, कैसा मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। और धर्म क्या है, अहिंसा संयम और तप। क्या है अहिंसा, क्या है संयम, क्या है तप, इसकी व्याख्या मैं आज नहीं करूंगा, करेंगे समय पर। फिर देवावितंग नमन संति, प्रभु ने इसका बता दिया कि धर्म को देवता भी नमस्कार, इंद्र भी झुकता है जिसके भीतर धर्म है, और देव भी तुम्हारे पास आते, किसी देव को बुलाने की जरूरत नहीं है, देव तुम्हारे चरणों में आएगा, वीतरागी के चरणों में आते हैं। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान के पास करोड़ों देवी देवता आते हैं, 64 इंद्र झुकते हैं, चक्रवर्ती झुकते हैं उस वीतरागी अरिहंत परमात्मा के चरणों में, और उन्होंने कहा तुम भी वीतरागी बन सकते, मैं भी बन सकता हूं, तुम भी बन सकते हो। देवावितंग नमन संति, अब शर्त एक लगाई प्रभु ने, यस धम्मे सया मनो, जिसका हृदय धर्म में लगा रहता, जिसका अंतःकरण धर्म में डूबता है,
जो आत्म रमन करता है, आत्म चिंतन करता है, वो धर्म धर्म प्रदर्शन नहीं है, धर्म क्रिया नहीं है, धर्म तुम्हारा अपना निज का दोहन है, स्वभाव है, ये तुम स्वयं करोगे, मेरे कहने से भी नहीं होगा। अरिहंत परमात्मा की मार्गदर्शन देते हैं, समझाते हैं कि तुम्हें करना होगा, मुझे करना होगा। तो धर्म क्या है? धार्यते इति धर्मा, जो धारण करता है वो धर्म है। जैसे मैंने कल कहा था कि सभी समाज में बैठेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि युवक भाई दूर तक समाज में बैठे, पर थोड़े से रह गए हैं वो समाज में नहीं बैठे। मैं आशा करूंगा कि कल जो थोड़ी सी जगह खाली है वो भी सफेद वस्त्र में आए और समाज करें, बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे अनंत कर्म की नजरा होगी। बहनों से भी अनुरोध करूंगा कि सभी समाज में बैठे, समाज में बैठे। अब पता नहीं किसकी समाज है और कौन बैठा, क्योंकि वस्त्र भिन्न भिन्न है, एक वस्त्र नहीं, अलग अलग है, पर समय के आइए। आपका हम इस कार्य में अभिनंदन करते हैं कि हमने कहा, आपने हमारी बात को स्वीकार किया। केवल आज के दिन के लिए नहीं, ये चतुर्मास का प्रारंभ है, ये चतुर्मास मेरे और आपके लिए 4 महीने का अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। सभी मुनिराज से आप बैठिए, चिंतन कीजिए, प्रवचन सुनिए, रात को आइए, दिन में आइए, समय की पाबंदी के साथ आइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब धारणा, धारण किसको करना है? आपने समाज कर ली, मुखपत्रिका लगा ली, पाठ पढ़ लिए, ये धारण नहीं, ये आपने अपनी भूमिका तैयार की है। अब 48 मिनट में आप क्या धारण करोगे? 1.25 घंटे के प्रवचन में आप क्या धारण करोगे? आप शांत होकर के सुनो, केवल केवल सुनो, कुछ भी नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, केवल सुनना। सुनने से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रभु महावीर की वाणी कहती है, सुनने से सब मिल जाता है। चतुर्मास में आप सुनोगे बिना किसी राग द्वेष के, ये कौन गुरु है, किस परंपरा का है, कैसा है, नहीं, बस आपके सामने जो भी आए वो प्रभु का प्रसाद मुझे मिलना है, इस तरह से सुनोगे। तुम्हारी समझ में ना भी आए तो तुम्हारे कर्मों की नजरा शुरू हो जाती। अब भगवान का धर्म क्या है? भगवान ने कहा, अनाय धम्मो, अनाय तवो, अनाय मामेगम धम्मो। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा ही तप है, और आज्ञा ही धर्म का मार्ग है। अब फिर प्रश्न पैदा होता है, आज्ञा क्या, कौन सी भगवान की रूल्स रेगुलेशन यहां लागू होंगे? आज्ञा में धर्म, अब आज्ञा क्या है, इस पर भी आप शोध करना। मैं उत्तर दे दूंगा, वो मेरा उत्तर नहीं होगा, वो महावीर का होगा या अरिहंत परमात्मा का होगा। अनाय धम्मो, अनाय तवो, क्या है आज्ञा? वीतराग की आज्ञा क्या है? वीतराग धर्म क्या है? वीतराग धर्म एक ही बात कहता है कि तुम स्वयं में आ जाओ, पर को छोड़ करके स्वयं के भीतर आ जाओ, और वो आज्ञा वो प्रभु का धर्म है, वही तप है, वही जय। भगवान से पूछा गंधर्व गौतम ने, सज्जायनं भन्ते किम जनै, भगवान ने फरमाया, सज्जायनं भन्ते नान वर्णिचं कर्मं कम्मं खवई। स्वाध्याय से क्या होता है? भगवान ने बताया, स्वाध्याय से तुम्हारे अनंत अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब स्वाध्याय का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का सीधा अर्थ है स्व अध्याय, स्वय यानी तुम, स्वय यानी चेतना, स्वय यानी तुम्हारी ऊर्जा, स्वय यानी शरीर के भीतर जो तुम हो, सदाकाल सनातन, उसका अध्ययन, उसका चिंतन, उसका रमन, वो है स्वाध्याय। इसके साथ साथ तुम जो भी कर रहे हो, सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, शास्त्र वांचन, नमस्कार मंत्र का पाठ, दानशीलता भावना, उसमें सहयोग दें तो स्वाध्याय बनती है, और स्वाध्याय और कोई नहीं होती। स्वाध्याय करने से
आपका अज्ञान दूर होता है और आप नमो अरिहंतानम का यहाँ सुबह 8 दिन का अखंड जाप रखा गया। आप नमो अरिहंतानम, नमो चित्तानंग, नमो आर्यानंग कहोगे। नमो अरिहंतानंग बोलते ही आपके भीतर एक भाव आए, एक ऊर्जा जागे, एक प्यास जागे कि अरिहंतानंग बहुत बार जप लिया, मैं अरिहंत कब बनूंगा, मेरी अर्हत दशा कब आएगी। महामंत्र नवकार का जाप पढ़ते पढ़ते चिंतन करना और डूब जाना, जरूरी नहीं माला पूरी करनी है, एक लौंग डालना है, माला ना भी पूरी हुई घंटे में नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमलोय सब सावनंग, ये 5 पदों का चिंतन करते करते यदि आप डूब गए कि प्रभु मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अर्हत बनना है, मुझे केवली बनना है, मुझे मोहनीय कर्म को दूर करना है, मैंने घनघाती कर्म करना है, तो प्रभु मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार आप नवकार मंत्र का पाठ करते हुए, सामायिक करते हुए, प्रतिक्रमण करते हुए, शास्त्र वांचन लेते हुए, हम प्रवचन करते हुए भी मैं अरिहंत कब बनूंगा। ये चतुर्मास 4 महीने में बहुत अवसर है और देखते देखते समय चला जाता है। चतुर्मास में मैं पहले कहता हूं आप आए हो बहुत अच्छा है, परंतु चतुर्मास में आप अनंत कर्मों की नजरा कर सकते हो। कैसे आप कहेंगे नजरा कर सकते हो, मुनिराज ने आपको समझा दिया है, थोड़ी सी बात मैं भी कहूंगा। प्रवचन कैसे सुनना, सुनते समय अपनी आंखें बंद, किसी की तरफ ध्यान नहीं, कौन आगे बैठा है या पीछे बैठा है, किसी वस्त्र कैसे पहने हैं या नहीं पहने, कोई कहां से आया है कोई मतलब नहीं। और प्रवचन में समय से आने से पहले ध्यान रखो, यदि आपके आने से एक व्यक्ति भी डिस्टर्ब होता है तो तुमने सबको डिस्टर्ब कर दिया। यह ख्याल रखना कि प्रवचन में पहले आओ, फर्स्ट कम फर्स्ट, और बाद में आओ तो पीछे, आराम से जहां भी जगह मिलती है बैठ जाओ। और प्रवचन में आने पर किसी के आभूषण, किसी की साड़ी, किसी के वस्त्र देखने की जरूरत नहीं, और प्रवचन में आते समय सज धज कर आने की जरूरत नहीं, कोई आभूषण ना भी पहनो, एक तन पर कपड़े हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, बस वो काफी है। यहां आने पर केवल आपकी आत्मदृष्टि भीतर रहे, जो कुछ भी सुनोगे वो आपकी कर्म नजरा होगी, हमारी नजरा हो ना हो, यदि आप श्रद्धा से रीत राग वाणी को सुन रहे हैं तुम्हारी नजरा हो जाएगी, यदि हमने भीतर अहंकार कर लिया कि मैं बोल रहा हूं मेरे कर्मों का बंधन हो जाएगा, राग कर्मों की नजरा होगी, ये रीत राग मार्ग है, कौन कहां पहले चले जाए कोई भरोसा नहीं। और चतुर्मास में आप साधु साधियों को आहरादि की सेवा करके अनंत पुण्य बांध सकते हो और कर्मों की निंदा कर सकते हो। भोजन खुद बनाना, खुद परोसना, किसी नौकर के सहारे मत कहना जाओ इनको भोजन दे दो, वो सारा पुण्य तुम्हारा ले जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। फिर निंदा कैसे कर सकते हो, स्वाध्याय होगा, प्रश्न उत्तर होंगे, ध्यान शिविर होंगे, प्रतिक्रमण होगा, तपस्या होंगी, बाहर से जो लोग आएंगे उसका अतिथि सत्कार होगा। इस तरह से आप, हम और आप बहुत बहुत कर्मों की नजरा कर सकते हैं। हम धर्म क्रिया नहीं, धर्म को साथ में रखना है। तो जीवन इस चतुर्मास में बैठने पर ये मत समझना कि समस्या नहीं आएंगी, समस्या हर पल आती है, पर समस्या का समाधान कहाँ है? क्या महावीर को दीक्षा लेने के बाद कोई समस्या नहीं आई? महावीर 12.5 वर्ष तक उस समस्या का समाधान कहां करते रहे? भीतर बाहर नहीं। कौन सी समस्या का समाधान भगवान महावीर ने किया? जीवन एक समस्या है, उसका समाधान भी तुम्हारे भीतर है। यदि आप किसी मोर से नृत्य देख करके आनंद महसूस करते हो, एक जुगनू है जो वो प्रकाश देता है, उस जुगनू से भी आप अमावस की काली रात्रि हो और आप भटक गए हो, एक जुगनू का प्रकाश भी आपके लिए एक दिशा सूचक बन सकता है। तो जीवन में समस्या आएगी, पर समस्या का समाधान कहां होगा? याद करो
भगवान महावीर के श्रावकों को, याद करो भगवान महावीर के साधु साधुओं को, मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। कामदेव श्रावक पौषधशाला में बैठे हैं, पौषध किया है, धन धान्य से भरपूर जीवन है, 18 करोड़ की संपत्ति है, 80,000 गाय हैं, छोड़ करके वो पौषधशाला में आ जाते हैं और पौषध करते हैं, और देवता भिक्षा लेने आता है, नंगी तलवार लेकर के आता है कामदेव श्रावक को। ये कामदेव, ये क्या तू कौंसला रख रखा है, कोई मिथ्यात्वी देव भी होते हैं, कोई परीक्षा लेने भी आते हैं, तू कह दे महावीर का धर्म असत्य है, झूठा है, तुझे माफ कर दूंगा, और ये तुमने नहीं कहा तो ये सामने नंगी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे सारे बच्चों को, पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कामदेव पौषधशाला में पौषध लेकर के कौशक की मुद्रा में खड़े हैं और सामने उस देव की नंगी तलवार लपलपाती हुई और सिंह गर्जना करता हुआ बोल रहा है, कामदेव अड़ग रहे श्रावक से, ऐ देव तू क्या करता है, ये तलवार मेरे टुकड़े कर सकती है, मेरे धर्म को खंडित नहीं कर सकती, मेरी आत्मा को खंडित नहीं कर सकती, तू क्या कहता है। आज जो कामदेव ने कहा था आत्म में सुरक्षित है, आज वो वाणी इनमें निगंथं पावेनं सत्यं मनोत्तरं केवलिं परिपूर्णं न्यायं संशुद्धं सर्वोत्तरं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निवारणमग्गं, जो हम प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, इनमें निगंथं, ये निर्ग्रंथ प्रवचन उत्तम है, श्रेष्ठ है, इनमें पावेनं सत्यं अनुत्तरं केवलिंग परिपूर्णं न्यायं संशुद्धं सर्वोत्तरं सिद्धिमग्गं, ये सिद्धि को देने वाले हैं, मुक्ति का मार्ग देने वाले हैं, ये तलवार टुकड़े टुकड़े कर सकती है शरीर के, आत्मा को खरोच नहीं आ सकते। वो देव झुका, कामदेव के चरणों में झुका और चला गया। ऐसी परिस्थितियां भी महावीर के श्रावकों को आई हैं और डामाडोल नहीं कर सकी। दूसरी ओर अर्जन माली का आंतरिक चारों ओर फैल रहा है और कोई सामने नहीं देता। राजगृह नगरी के अंदर भगवान पधारे, सुना सबने, किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। राजा सैनिक महलों में छिपे हैं, सुदर्शन सेठ को पता लगा कि भगवान पधारे हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाना है। राजा ने कहा, सेठ कैसे जाओगे, अर्जुन का आंतिक है, तुम यहां से नमन कर दो। सेठ सुदर्शन ने कहा, राजन ये कैसे हो सकता है, भगवान पधारे हों और उनके दर्शन ना करूं, कुछ भी हो जाए जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, उनकी वाणी को सुनूंगा। सेठ सुदर्शन चल पड़ता है, अर्जुन माली का मुद्गर सामने आता है। सेठ सुदर्शन ने यही नहीं कहा कि प्रभु मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी दर्शन करने आया हूं। सुदर्शन ने सोचा, ये परीक्षा का समय है, कौशल कर लिया, भगवान को नमन किया, भूमि का प्रमार्जन किया, खड़े हो गया, भगवान तेरी शरण में आयो, संथारा ले लिया। प्रभु जियो तो आधार, मरण पाऊं तो बोसरू, मैं जिंदा रहा तो आपके चरणों में आऊंगा, नहीं तो नहीं से मेरा नमन स्वीकार कर लीजिए। भगवान को नमन करता है, बैठ जाता है अर्जुन माली, मुद्गर चलाता है, मुद्गर चलाते चलाते वो देव की शक्ति क्षीण हो जाती है, मुद्गर गिर जाता है, अर्जुन माली धड़ाम से नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और फिर सुदर्शन कौशल को पूर्ण करते हैं और अर्जुन माली हैरान हो जाता है, ये क्या हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो। सुदर्शन ने कहा, मैं धर्माचार्य के पास जा रहा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। सुदर्शन ने इनकार नहीं किया कि तुमने इतने जीवों की हत्या कर दी, तुमको मैं कैसे ले जाऊं, तुम तो महापापी हो, चलो धर्माचार्य के पास। सुदर्शन भी अर्जुन माली को साथ ले जाता है और महावीर के पास आ जाते हैं। महावीर ने जैसे सुदर्शन को उपदेश दिया, अर्जुन माली को दे दिया। अर्जुन माली ने 6 महीने के अंदर कार्य सिद्ध कर लिया। ये वीतराग शासन है, ये वीतराग धर्म है, जितना कोई पालन करेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो कहा है किसी ने, लहू को सोनो बहू की हो ऐसे तुम
मथि चित लहू को सोनो बाहु कियो एने तू मथि चित मनुष्य देहते सिद्ध बने ए भी रसायन सीख। लोहे को सोना को बहुत बार कर लिया, पारस मणि मिल गई और घिस करके लोहा सोना हो जाता है। लोहे को सोना तो बहुत बार कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये मनुष्य देह है, ये सिद्ध गति को प्राप्त कर सकती है। ये रसायन भी सीख लो, ये रसायन है चतुर्मास का प्रवेश मेरे और आपके लिए। इस रसायन के लिए मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि ध्यान शिविरों का आयोजन तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक रसायन है जो आपको भाव परंपरा को काट करके, आपको वेद ज्ञान दे करके आत्मा से परमात्मा मिलन की साधना करवाएगा। तो मेरा जीवन का यही उद्देश्य है कि हम कम बोलें, समय पर आएं, समय पर आएं, व्यर्थ की चर्चा ना करें, साधना की शिविर जो लगे उसमें खूब खूब साधना करो, दलाली कमाओ, आसपास के लोगों को बताओ, फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पाम की मुट्ठी तक अपने भीतर एक शुद्ध चेतना है, उसको केवल एहसास करेंगे, उसको केवल एहसास करेंगे। आते जाते श्वास को जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया न करें, केवल आती जाती श्वास को जानो और देखो। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा भी नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो, आत्मा हो। उस आत्म तत्व जो तुम्हारे भीतर है उसमें प्रवेश कीजिए। धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, हैव पेशेंस। आप अपने को देखते रहें और जानते रहें, देखना और जानना ये तुम्हारा धर्म है, आत्मा का धर्म है, निज धर्म है। देखो अपने आप को, जानो अपने देखो अपने आप को, जानो अपने अपने केवल अपने को जानना और अपने को जान करके अनुभव करना, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है, ये बहुत से प्रश्न तुम्हारे भीतर, इसका उत्तर भी तुम्हारे पास है।
एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और कृतज्ञता। चितारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चतारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तमो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण